भारत की स्थिति बेहद नाजुक है। जी हाँ, भारत की स्थिति बेहद नाजुक है, क्योंकि जल्द ही लोगों के हितों की रक्षा अब नहीं हो सकेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। जब देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति ही राजनीतिक नेताओं से परेशान हो जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस देश की स्थिति क्या होगी। यही हाल भारत का है। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू सदन में विपक्षी नेताओं की हरकतों से भावुक हो गए। क्या है पूरा मामला, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद सहित कई मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, जिससे राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू आज भावुक हो गए। मंगलवार की घटना का जिक्र करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि जब कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कुछ सांसद मेज पर बैठ गए और अन्य सदस्य सदन की मेज पर चढ़ गए, तब इस राज्यसभा की सारी पवित्रता खत्म हो गई। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि मैं इस बात से बेहद दुखी हूँ कि कुछ सदस्यों ने मॉनसून सेशन में बुरी तरह उपद्रव किया है। उन्होंने कहा कि आपकी ओर से किसी भी मसले पर बहस की जा सकती है और राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उपद्रव किया गया था वो दुख पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को कार्रवाई का सामना करना होगा। हम आपको बता दें कि आजकल राज्यसभा में विपक्षी नेता सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब मंगलवार को कांग्रेस के एक सांसद ने मेज पर चढ़कर आसन की ओर रूल बुक फेंक दी। इस तरह से 5 बार बाधित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। आपको बता दें कि दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने सदन की कार्रवाई में रुकावट पैदा की, जानबूझकर सदन को चलने नहीं दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सदन की कार्रवाई को जानबूझकर स्थगित करवाकर जनता को फायदा पहुंचेगा? आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN News।